अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदेद करते हैं आपके अपने शो पे। आइए, जैसा कि आपको पता है, आज जुमा है और हमारी रिवायत है कि हम छोटी सी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि एक तो जुमा का दिन ऐसा होता है कि उसमें कोई ऐसी घड़ी होती है जिसमें दुआएँ कबूल होती हैं। पता नहीं कितने हज़ारों लोग मेरी दुआ में शामिल होते हैं, कोई उसमें से एक अल्लाह पाक का पसंदीदा नेक बंदा होगा जिसकी आमीन से अल्लाह पाक हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा दे और हम सबका बेड़ा पार कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यु, या क़य्यूम, या ज़ुल्जलाल वल इकराम, या रहमान रहीमीन, या रहमान रहीमीन, या रहमान रहीमीन, या समीउद्दुआ, या समीउद्दुआ। दुआओं को सुनने वाले रब, हम सब हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, जुमे का दिन है, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, अनजाने में, जाने में, खुफिया, ऐलानिया, ऐसे गुनाह जिनको गुनाह जानते हुए गुनाह किए हैं, नहीं और सोचा भी नहीं था कि वो गुनाह है, या अल्लाह सबको माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, ऐसे गुनाह जो हमारी दुआओं को कबूल होने में रुकावट बन रहे हैं, सबको माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक करम फरमा दीजिए, रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह, सिंध का और बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है इन बारिशों में, या अल्लाह गरीबों पर रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह गरीबों पर रहम फरमा दीजिए, उनका खाने पीने का, उनके रहने का, उनके घरों का आसरा बना दीजिए। या अल्लाह पाक, हम सबको तौफीक दीजिए कि हम उनको कुछ थोड़ी थोड़ी मदद कर सकें ताकि उनका भी कुछ काम बन जाए। या रहमान रहीम, आगे आने वाले दिनों में अगर बारिश होनी है तो या अल्लाह बारिशों को रहमत बना के भेजना, जहमत ना बना के भेजना हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर, सिंध पर, बलूचिस्तान पर, हर जगह अपना रहम और करम फरमा दे मेरे रब। या हय्यु या क़य्यूम, बहुत सारे लोग बीमार हैं, छोटी बीमारी में मुबतला है, बड़ी बीमारी में मुबतला है, हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं, आप सबको शफाए कामला और आजला अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, सब पर अपनी ख़ास रहमत बरकतें नाजिल फरमा दीजिए। या अल्लाह, किसी किस्म के आजमाइश में ना डालना तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की, औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, दोस्तों की, बहुओं की, किसी किस्म के आजमाइश में ना डालना। या अल्लाह, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों को रिश्तों के लिए परेशान हैं, आप उनका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए, क़दरदान लोगों से पाला पढ़वा दीजिए, ईमान याफ्ता लोगों से पाला पढ़वा दीजिए। या रब्बुल आलमीन, या हय्यु या क़य्यूम, मक्का मदीना जाने वाला बना दीजिए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम भी वहाँ जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम पेश कर सकें, हजर असवद को बोसा दे के दे सकें, खाना काबा की चौखट को पकड़ के दुआएं मांग सकें। अल्लाह, हमें भी वहाँ जाना नसीब फरमा दीजिए, तरस रहे हैं अल्लाह पाक, वहाँ प्लीज़ हमें भी ले जाइए। या हय्यु या क़य्यूम, जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप सब तब सबको जन्नत और फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए, सबकी मंजिलों का आसान फरमाइए। या अल्लाह पाक, उनकी कब्र को जन्नत और फिरदौस का बागीचा बना दीजिए। या अल्लाह पाक, हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाह किए हैं, हम मानते हैं हमने गुनाह किया और आप कहते हैं कि मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करूँगा। हम बार बार गुनाह करते हैं, बार बार आपकी तरफ लौट आते हैं, आप हमें इससे उम्मीद पे लौट आते हैं कि आप हमें माफ़ करेंगे। या अल्लाह, माफ़ कर दीजिए हम सबको, हमारी औलादों को पंच वक्त नमाजी फरमा दीजिए, बुला दीजिए, वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाइए, तजवीद और तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या रहमान रहीमीन, सबके रिस्क हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकतें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, महंगाई उरूज पे है, आप जानते हैं सब बहुत परेशान हैं। या अल्लाह, आप हम सब पर करम फरमा दीजिए, रहम फरमा दीजिए, फजल फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आज बहुत मज़े का मेन्यू है, ठीक है, बच्चों का फेवरेट है, बहुत ही मज़े का गोला कबाब कीमा बनाएंगे, ठीक है। इस कीमे की शर्त यह है कि आप इसको 2-3 घंटे पहले पपीता लगा दें, इसकी शर्त यह है, जब ये मज़े का बनता है। और हम बनाएंगे ब्रोस्ट चिकन, ठीक है। अगर आपको चटपटा ब्रोस्ट बनाना है तो जब ये फ्राई हो जाएगी तो आप इसके ऊपर खूब सारा चाट मसाला छिड़क दीजिए, कबाब की चटपटी ब्रोस्ट बन जाएगी।
और हम बना रहे हैं बारबेक्यू टुनाइट का चिकन टिक्का, और हम बना रहे हैं एक और चीज़ है शायद, हाँ ब्रोस्ट के साथ ब्रोस्ट सॉस बनाएंगे, और ब्रोस्ट सर्व होगी कोल्सलो सैलेड और फ्राइज़ के साथ। तो पूरा हम प्लेटर में जिस तरह ब्रोस्ट आप बाहर खाने जाते हैं उसी तरह से हम सर्व करेंगे आपको, ठीक है। तो पहले हम गोला कबाब कीमा कर लेते हैं, उसको चढ़ा देती हूँ, बिकॉज़ मैंने साढ़े आठ बजे मैंने इस पर कीमा पपीता घर पे लगा दिया, तो सिर्फ पपीता लगाया था ताकि बाकी चीज़ें आपके सामने लगाऊंगी। अच्छा, इसमें लिखा है चिकन मिन्स हाफ के जी, आपकी मर्ज़ी, आप बीफ मिन्स ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप मटन मिन्स ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो आप घर में पसंद करते हैं आप वो मिन्स वो आप कीमा ले लीजिए और उसकी में से आप इसको बनाइए। अच्छा नहीं, मेरे पास अभी कीमा नहीं रखा हुआ है, मेरे पास रखा हुआ है चिकन टिक्का, मैं इसको पहले अवन में डाल देती हूँ। अच्छा ये देखें, ये लाजिम है, लाजिम, आई हैड टू डू इट, आई एम सॉरी अबाउट इट बट आई हैड टू डू इट। इसलिए करना लाजिम है कि अगर आप एग्जैक्टली वहाँ का टेस्ट चाहते हैं तो उस रेस्टोरेंट का, तो फिर आपको ये लाजमी रात भर मसाला लगा के छोड़ना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, इसमें रेसिपी आपके पास चार टिक्के की लिखी हुई है, मैं दो बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ इसमें आधी डाली है, तो मैं आपको आधी नहीं बताऊँगी, मैं वही रेसिपी रिपीट कर रही हूँ जो आपके पास लिखी हुई है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। लेकिन मैंने आधी डाली है बिकॉज़ मैं आधी रेसिपी कर रही हूँ, दो टिक्के बना रही हूँ, सही। अच्छा, चिकन एक किलो, मतलब अगर ज़िंदा मुर्गी का वज़न पूछ रहे हैं तो डेढ़ किलो की मुर्गी लीजिए, उसको साफ़ करा के वो एक किलो बन जाती है। उसके आपने चार टुकड़े कराए, टिक्का पीसेस कराए और कट्स लगा दिया। अब इसको आपको मैरिनेट करना है, तमाम चीज़ें जो आपके रेसिपी में कार्ड में दी हुई हैं सबसे मसाला लगाइए, और कम से कम 6 से 8 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट। मैंने कल शाम में 6 बजे लगा दिया था, लगाने के बाद और इसको मैंने इस थाले में रख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का, हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक, आप चलिए ब्रेक की तरफ, ब्रेक से मैं वापस आऊँगी आके आपको समझाती हूँ, ठीक है, स्टे विद अस। आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हम बना रहे हैं चिकन टिक्का, ठीक है। और चिकन टिक्का जा चुका है अवन में, बिकॉज मैं आपके सामने ही किया है मैंने, लेकिन अब आप गौर से इसका रिकैप सुनिए। मुर्गी लेनी है आपको, जिंदा मुर्गी का वज़न 1.5 किलो, ठीक है। अगर रेडी चिकन लेते हो कटी कटाई जो मिलती है, तो उसका वज़न 1 किलो होना चाहिए। उसके आपने करने हैं 4 टिक्का पीसेस, और टिक्का पीसेस पे आपने अच्छी तरह से कट्स लगाने हैं, ठीक है। कट्स लगाने के बाद आप उसको मैरिनेट करेंगे, एक प्याले में आप लेंगे आधा कप पानी, आधा कप। उसमें आप डालोगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून हीप्ड भर के, ठीक है। केचप 2 टेबलस्पून, सिरका 1/4 कप या 4 टेबलस्पून, वाइट पेपर इटालिया का 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून। ये सब कुछ आपने पानी में मिलाया, आपने देखा कितना लिक्विडी था ना मिक्सचर, आपने अच्छी तरह उसको मिक्स किया। फिर आपको करना क्या है कि आपने उसको टिक्का पीसेस पे खूब अच्छी तरह मसाज करें, अच्छी तरह मिक्स करें, अंदर उसके जो कट्स हैं उसके अंदर खूब लगाएं, अच्छी तरह आगे पीछे करके लगा के फॉइल से कवर करें। आपने देखा मेरा फॉइल से कवर किया हुआ था, मैंने कल शाम में 6:30 बजे मग़रिब से पहले लगा दिया था, और मैंने पूरी रात के लिए उसको फ्रिज में छोड़ दिया था, ठीक है।
जब आपको बेक करना है, सॉरी आप तो कोयले पे करिएगा प्लीज़, इसका मज़ा आता है सीखों पे लगा के कोयले पे, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगा, लेकिन यहाँ हम कर नहीं सकते बारबेक्यू, ये होता है मसला, वरना तो मैं डेफिनेटली आपको सीखों पे लगा के कोयले के ऊपर करके बता दी। अच्छा, और जो एक चीज़ मैं भूल गई हूँ वो 2 टेबलस्पून तेल है जो मैंने ऊपर से अवन में डालने से पहले डाला था, मैंने बिल्कुल डाला है, 2 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, ठीक है, वो मैंने उसमें डाला। डालने के बाद उसको मैंने अवन में डाल दिया है बेक करने के लिए, कोयले का धुआं दे देंगे, अब हमारी मजबूरी है। 20 से 25 मिनट के बाद, ये टोटल इसका बेकिंग टाइम है 40 से 45 मिनट्स, 180 पे ये बेक होगा। 20 मिनट के बाद मैं अवन खोलूँगी और मैं इसका साइड तिक्का का टर्न कर दूँगी, ठीक है, और फिर जब टर्न करेंगे हम साइड, तो अगर आप चाहें तो कवर कर दीजिएगा फॉइल से, ताकि ज़्यादा वो जले नहीं, उसका नीचे मसाला है जितना, ठीक है, समझ आ गई आपको। इट्स वेरी सिंपल, द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर इन दिस इज दैट यू हैव टू मैरिनेट दिस वेरी वेल, बस, ताकि अंदर तक मसाला जाए और वो टिक्का आपका जूसी बने, अच्छा टेस्टी बने, मसाले मतलब मज़े का बने, ठीक है, ओके। आज का सवाल आपसे हम ये करते हैं कि मुर्गी चिकन का जो सब में जूसी और सॉफ्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। चिकन का मैं कोई आपको वो नहीं दे रही आंसर, वो नहीं दे रही कि आप बता सकें उसको, हिंट नहीं दे रही हूँ आपको, सबको पता है, आप खुद बताइए कि चिकन का सब में जूसी और टेंडर पोर्शन कौन सा होता है, वो आपको बताना है, ये आज का सवाल है, ठीक है, और आप जीत सकेंगे एनएक्स की तरफ, ओह ज़बरदस्त सैंडविच मेकर, ठीक है, ये आज का सवाल था, ये हो गया। अच्छा, अब आप आ जाइए गोला कबाब कीमा, गोला कबाब कीमा पे हमने बीफ का कीमा लिया है और इस पे मैंने कच्चा पपीता 1 टेबलस्पून लगा दिया है, ठीक है, इस पे मैंने कच्चा पपीता लगा दिया है। अब इसकी बाकी की चीज़ें मैं इसमें लगा रही हूँ, नमक, वन एंड हाफ टीस्पून लेवल, चिली पाउडर, टू टीस्पून, टू टीस्पून चिली पाउडर, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून घी, या अब नेचुरली मेरे पास यहाँ पे घी नहीं है, इसमें घी जाता है, मैं अपना इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डालूँगी, बेहतरीन तेल, और स्पेन में असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन एंड पामेस, आई मोस्टली प्रेफर यूजिंग पामेस, कल मैंने यूज़ किया था एक्स्ट्रा लाइट, क्या बना रही थी कल मैं सैलड ड्रेसिंग में, ओके। अब मैं इसमें डालूँगी, ये हो गया, तेल डाल दिया, कच्चा पपीता चला गया, अब जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर 2 टीस्पून, टू टीस्पून जाएगा वो ऑल स्पाइस पाउडर, अनियन ब्राउन पिसी भी 4 टेबलस्पून, हरी मिर्चें चॉप्ड 6 छोटी वाली, हरा धनिया 2 टेबलस्पून,
रिकैप दे रही हूँ आपको। कीमा ले लीजिए कोई सा भी, बीफ चिकन कोई सा भी कीमा ले लीजिए, ठीक है, मटन। और इसको आप पहले पपीता लगा दें या ना लगाएं, पपीता सारे मसाले साथ लगा के, और आप इसको सारे मसाले साथ लगा के और छोड़ दीजिए दो घंटे के लिए। मैंने क्या क्या लगाया इसमें, आधा किलो कीमे में नमक 1.5 टीस्पून लेवल, चिली पाउडर 2 टीस्पून, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप या 4 टेबलस्पून, उसके बाद पपीता कच्चा 1 टेबलस्पून या पका पपीता भी डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून, जो खाते हैं आप एज अ फ्रूट। ऑल स्पाइस पाउडर 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून, ब्राउन अनियन पिसी हुई 4 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने नहीं डाला है, इटालिया का, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। अगर अपनों से प्यार है तो इटालिया की हर चीज़ इज टू गुड, लेके आइए और यूज़ कीजिए, आपका आधा टाइम बच जाता है ना। आप देखें अदरक लहसुन ला के छीलना ही कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ज़िंदगी आसान कर दी है इटालिया ने हम लोगों की। ठीक है, ये हो गया, और ब्राउन अनियन डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज छोटी वाली 6 चॉप, और हरा धनिया 2 टेबलस्पून, सब कुछ डाल दिया। अब इसको आप प्लीज सारी चीज़ों को मसाला लगा के और आप छोड़ दीजिए कम से कम 30 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। छोड़ने के बाद आप इसको कोयले का धुआं देंगे। अच्छा बेटा, बस मैं इसको धुआं दे दूं। ठीक है, इसको हमने धुआं दे दिया। अब आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं। इसमें हम बहुत थोड़ा सा ऑयल डालेंगे बिकॉज उसमें मैरिनेशन में ऑयल है, बहुत थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम डाल देंगे और बस भूल जाइए दम पे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के दौरान। कीमे को 1/4 कप तेल डाल के और इसको छोड़ दिया, बस अब आप इसको पकने दें 15 से 20 मिनट, ये हल्के पे पकेगा, ये तैयार हो जाएगा। इसको आप पराठे के साथ, जो वो वाला पराठा आता है जो आप वो दुकान वगैरह में खाते हैं, उस पराठे के साथ, पूरी पराठा, उस पराठे के साथ ये कीमा और चिकन टिक्का खाया जाता है। मेरी गलती हो गई, मुझे इस शो में पराठा रख लेना था। अच्छा, आ जाइए अब रोस्ट पे।
बेटा ऑयल चाहिए मुझे डीप फ्राइंग के लिए। अच्छा जी, अब हमें ब्रोस्ट चिकन लेनी है एक, ठीक है, जिसके मैंने कराए हैं 8 टुकड़े। अब आप क्या समझ रहे थे? कौन? ओके, चिकन वंस विथ स्किन कट इनटू 8 पीसेस। अच्छी तरह से इसमें जो पानी है, जो कुछ लिक्विड है, इसका मॉइस्चर है, वो निकाल दीजिए। इसको आपको मैरिनेट करना है सॉल्ट 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, वन एग, मिल्क 2 टेबलस्पून, ये एक्चुअली मैंने कल मंगवाई थी चिकन और इसको फ्रीज़र में डाल दिया था रात में, और सुबह सुबह कहाँ मिलती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान करम। आपको और आपकी पूरी टीम को जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक। अल्लाह ताला आपकी इस दुआ के सदके हम सबके सीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। आमीन। आप आज बहुत ही प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बड़ी बड़ी मेहरबानी। और जो मैम ये जो जूसी और टेंडर जो हिस्सा होता है वो तो चेस्ट वाला होता है। चेस्ट होता है, ब्रेस्ट, लेग और चेस्ट? नहीं, एक बताए ना, लेग। अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है बेटा, नोट कर लिया। ठीक है, ओके। अब इसको आप थोड़ी सी देर छोड़ दें। ओके, अब आपको ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। मैदा 3/4 कप, वैसे मेरे ख्याल से 1 कप लगेगा, 8 पीस है ना, 1 कप लिख लें प्लीज़, ठीक है। मस्टर्ड पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून,
पैप्रिका उसका इटालिया का 1 टीस्पून हीट, mix it very well. इसकी जो कोटिंग है इसके लिए आपको 1 कप लिख लें प्लीज, 1 कप हीट मैदा, उसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून इटालिया का पैप्रिका पाउडर, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, मैदा बता दिया आपको 1 कप कर दीजिए, मस्टर्ड पाउडर 1/2 टीस्पून, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम, क्या हाल है सिरियाप्पा? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आपको बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया जी। और आपकी दुआ। हेलो जी, जी बोलते जाएं। और आपके सवाल का जवाब दीजिए जी। दीजिए। लग वाला होता है। अच्छी बात, ठीक है, नोट कर लिया। ब्रोस्ट को हम सर्व करेंगे कोल्सलो सैलड, फ्रेंच फ्राइज, बन और इसकी सॉस। अभी इसकी सॉस भी आपको समझाती हूँ, वो भी समझाती हूँ। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, बढ़ते हैं। इस कीमे को मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। इधर आते हैं तो इधर हम कढ़ाई रखते हैं तेल से भरी हुई, पॉमेस ऑलिव ऑयल से, और फिर हम एक एक पीस चिकन का उठाएंगे और मैदे में इसको कोट करेंगे, और फिर सबको कोट करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा मैदे में कोट करेंगे, इसमें नहीं, ओनली ड्राई फ्लावर में कोट करेंगे एंड देन डीप फ्राई, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, कीमा इज डन। इसको मैंने शेफ कुक वेयर के बेहतरीन बर्तन में बनाया है, फिर प्रेशर कुकर तो इन्होंने ही इजाद किया था, दे आर द पायनियर्स इन मेकिंग प्रेशर कुकर्स, और इतनी अच्छी डील चल रही है इनकी कि आप प्रेशर कुकर को चेंज करना चाहें, कोई चीज़ ख़राब हो गई, कोई चीज़ आपकी ख़राब हो रही हो, प्रेशर कुकर का रबर या कोई चीज़ भी ख़राब हो रही हो, तो आप उसको क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे शेफ़ वालों को या उनके वेबसाइट पे जाके लिखेंगे, और वो फिर आपके घर आदमी भेजेगा और आपसे वो प्रेशर कुकर चेंज करवाएगा, 25% आपसे पैसे लेंगे और आपको वो चेंज करके दे देंगे। ऑनलाइन सर्विस बेहतरीन है। अच्छा, मैंने आपको नज़र आ रहा है अवन, अवन नज़र आ रहा है, मैंने अवन में जो टिक्का हो रहा था हमारे दो, उसमें मैंने आखिरी के 10 मिनट्स के लिए कॉइल ढाक दिया था, ठीक है। चलें, आपको बहुत मज़ा आएगा
आप इसके लिए पूरी पराठा बनाएं। मैं देखें किसी दिन सिखा दूंगी। नेक्स्ट वीक तो वो मैंने एक नान दिया है, किसकी फरमाइश थी, सुमैरा की शायद फरमाइश थी, वो मैंने एक नान दिया है किसी प्रोग्राम में, सॉफ्ट नान। अस्सलामु अलैकुम मिसेस नदीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, खैरियत से? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। हेलो जी, जी बोलिए, कैसी तबीयत है आपा आपकी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपा बहुत प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की तरह, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को जुमा मुबारक हो, बहुत बहुत खैर मुबारक, बहुत माशाल्लाह सारे शोज आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत चीजें हमने ट्राई की हैं। जजाक अल्लाह जी, जजाक अल्लाह। चटपटी बिरयानी बहुत शानदार बनी आपकी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। और बाकी भी चीजें, थ्री मिल्क केक बनाया मैंने। अच्छा कैसा बना? बहुत जबरदस्त, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त बना, बहुत परफेक्ट, बहुत शुक्रिया। अच्छा टिक्कों के लिए इमली की चटनी ढेर सारी आपको सिखा चुकी हूँ, आप कोई सी भी लीजिए और कोई सी भी बनाइए, ढेर सारी आपको सिखाई है मैंने। 3/4 कप मुझे कम लग रहा था, मैंने और डाल दिया इसमें 1/4 कप मैदा। तेल गरम हो चुका है हमारा, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, आप देखें इसमें मैं डीप फ्राई करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप बजानी? आप अल्लाह का बहुत शुक्र, जुम्मा मुबारक आपको बहुत बहुत, खैर मुबारक बेटा। आप जानी बहुत अच्छा लग रहा है, आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आप जानिए आज का कोई क्वेश्चन है? जी आज का सवाल ये है, आपको बताना है कि मुर्गी के कौन, मुर्गी का कौन सा हिस्सा बहुत नरम और जूसी होता है? लेग। ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है, थैंक यू, वेलकम। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, तेल बहुत गर्म हो गया है। इसको याद रख लीजिए कि चिकन बहुत मोटी मोटी कच्ची चिकन है, अगर तेल बहुत गर्म होगा तो क्या होगा, ये अंदर जाएगी और बिल्कुल ऊपर से लाल हो जाएगी और अंदर कच्ची रहेगी, तो हमें ऐसी थोड़ी चाहिए। अच्छा आप इसको ब्रोस्ट को टिक्का पीसेस में भी बना सकते हो, 4 टिक्का पीसेस में। जब आप बाहर ब्रोस्ट खाने जाते हो तो ज़्यादातर जगह 4 पीसेस में ही मिलती है, मैंने 8 किए हैं। बहुत गर्म है तेल,
चूल्हा बंद है, तेल गरम था तो इसलिए मैंने नहीं खोला है अभी तक। चार पीस मैं एक करूँगी, चार पीस मैं बाद में करूँगी ताकि आराम से हो, अभी टाइम है, आराम से होगा। ब्रेक भी आ चुकी है, ठीक है, ये आराम से होता है। अच्छा, इसको फ्राई करना है आपको फॉर 20 मिनट्स, लिख लें आप। ब्रोस्ट को आप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे फॉर 20 मिनट्स, और इसको हाथ लगाने की, चम्मच डालने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 10 मिनट तक, फिर आप बेशक चम्मच से हिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखें इसका थोड़ा सा गर्माहट कम हो गई है, तो मैं अब इसको हल्के पे चूल्हे को जला रही हूँ, हल्के पे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। इस इन टिक्कों को मैंने कोयले का धुआं दे दिया है, इमली की चटनी, मैंने अभी तक चम्मच नहीं डाला है, अब मेरा इरादा हो रहा है कि मैं डालूं, या शायद अभी भी ना डालूं, अभी भी नहीं डाल रही, 5 मिनट बाद डालूंगी बिकॉज कलर नहीं आया है। आराम से होने, 20 मिनट्स फ्राई होगा ये, चार पीस हो जाएंगे, फिर ये चार डालूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, माफ़ी चाहती हूँ उन लोगों से जो फरमाइशें करते हैं, बहुत देर लगाती हूँ पूरी करने, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मेरी रेसिपीज मैं बहुत जल्दी जल्दी देती हूँ। लेकिन कर देती हूँ पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना आसान है आप बताएं, आजकल एक टिक्का बाजार में मेरे ख्याल से 300 का है या 350 का है, दोनों मुझे याद नहीं है, लेकिन आप सोचें घर में एक मुर्गी पड़ती है आपको 400 या 500 की, आजकल महंगी है चिकन, तो आप सोचें चार टिक्के आप बना के खाते हो 500 रुपये का भी एक टिक्का नहीं पड़ता, सो रीज़नेबल। और क्या है, रात में मैरिनेट करें, अवन में डाल दीजिए, अवन नहीं है तो स्टीम कर लो, स्टीम करने के बाद ग्रिल पैन लो, उसमें आप ज़रा सा ऑयल डाल के उसको उलट पुलट करके कलर दे दो, कोयले का धुआं दे दो। थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया है कलर देने के लिए, बिकॉज हल्के पे, वो शुरू से हल्के पे पक रही है, इंशाल्लाह ताला पक चुकी होगी। अच्छा सॉरी,
उस पर आइए, माफ़ कीजिए, रोज सॉस। रोज सॉस कैसी बनाएंगे? बिल्कुल वैसी बनती है जैसे बाज़ार में मिलती है। दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। अच्छा, रोज सॉस के लिए आपको करना क्या है कि ग्रीन चिली दो छोटी वाली लीजिएगा, चॉप चॉप करके उसको ब्लेंडर में डाल दें। एक मुन्ना सा आलू छोटा सा, उसको आप छिलका उतारें, बॉईल करें, छिलका उतार के दो या चार पीस में काट के उसको उबाल लें। उबालने के बाद उसको ठंडा करके भी ब्लेंडर में डालें। सॉल्ट डालें हाफ टी स्पून, मेयोनीज डालें 1 टेबल स्पून और आधा कप दही डाल दीजिए। क्या क्या डालेंगे ब्लेंडर में? एक आलू उबला हुआ छोटी साइज़ का, दो हरी मिर्चें चॉप, ठीक है, आधा कप दही, नमक हाफ टी स्पून और मेयोनीज 1 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ों को डाल के आप ब्लेंड कर लो, आपकी बेहतरीन सी रोज सॉस रेडी हो जाती है। अगर इसमें ज़रा सा भी फ़र्क हो ना, जो रोज़ की सॉस होती है, हाँ वो थोड़ी पतली होती है, ज़ाहिर बात है वो आपको इतना गाढ़ा गाढ़ा असली माल नहीं दे सकते, वो पानी मिलाते हैं इसमें, आप इतना पानी नहीं मिलाएंगे तो ये अच्छी गाढ़ी होती है। और कोल्सलॉ सैलड तो सबको आता है बनाना। कैबेज ले लें 2 कप, उसमें आप वाइट पेपर इटालिया का डालेंगे 1/2 टीस्पून, मेयोनीज 1/2 कप डालिए, ऐसे 2 टेबल स्पून भी काफ़ी होती है, 2 से 3 टेबल स्पून। गाजर 2 टेबल स्पून, कद्दूकश किया हुआ, कैस्टर शुगर 1 टेबल स्पून, क्रीम डालनी है 1 टेबल स्पून डाल दीजिए। सबको साथ मिक्स कीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। बंस खुद घर पे बनाना है, घर पे बनाएं वरना बाज़ार से मंगवा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, हेलो, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, आपके प्रोग्राम माशाल्लाह, आपकी दुआएं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुशियां दे, सारी टीम को, आपको खास तौर पे, कि आप इतने प्यारे अंदाज में खिल जाती हैं, अब हर आदमी कर ले आपकी रेसिपी ट्राई, माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी। जी जी, अच्छा मैं आपसे जवाब दूंगी कि चिकन का लेग का, लेग लेग पीस है ना, वो नरम होता है वो। ठीक है जी, ठीक है, नोट कर लिया हमने, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की, आप लोग कॉल करते हैं, इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं जिसके मैं लायक भी नहीं हूँ, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। इसी के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ठीक है, ब्रेक से वापस आते हैं, जब तक इंशाल्लाह वो भी हमारी पीसेस रेडी हो जाएंगे ब्रोस्ट के, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आखिरी के 4 पीस की डाल दिए हैं। आप देखो शुरू, आपके मेरा पॉइंट नोट किया है ना आपने, जब भी आप रोस्ट को फ्राई करो तेल गरम होना चाहिए, फिर उसको आप बंद कर दो, ठीक है, ताकि उसमें से स्मोकी ना हो, धुआं नहीं निकले, वरना तो वो जाएगा ऊपर कलर पकड़ लेगा, अंदर कच्ची रह जाएगी चिकन, नहीं गरम हो, फिर आप उसको बंद करके मतलब वार्म पे ले आओ, फिर आप उसमें चिकन डालो और हल्की आंच पे, देखिए इसकी आंच में डर रही हूँ, कढ़ाई मेरी सही नहीं है, ये देखें कितनी हल्की आंच पे ये मैं फ्राई कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैं बहुत हल्की आंच पे फ्राई कर रही हूँ 20 मिनट्स के लिए, और 10 से 12 मिनट तो मैं इसको छूंगी नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी, 10 मिनट के बाद फिर मैं इसकी साइड टर्न कर दूँगी, और फिर मज़ीद 10 मिनट फ्राई होगा, 20 मिनट्स में आपकी ब्रोस्ट चिकन तैयार हो जाती है। एक बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, जो कराची पाकिस्तान में भी हैं, जिनके पास फ्रायर होता है, डीप फ्रायर, नॉट एयर फ्रायर, डीप फ्रायर होता है, उसमें तो ये जो ब्रोस्ट स्टीम में पकती है ना, जैसी आप बाज़ार से नहीं ब्रोस्ट
से लेके आते हो और खाते हो वैसी बनती है, ऐसी सॉफ्ट मॉइस्ट गली हुई जूसी एयर उसमें डीप फ्रायर में। अगर जिनके पास डीप फ्रायर है तो इसमें आप ब्रोस्ट के लिए यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, जो लोग डाइट पे हैं, ठीक है, जिनको इतना तेल नहीं खाना है, तो आप इसको दो दफ़ा मैरिनेट करें और एयर फ्रायर में रख दीजिए। एयर फ्रायर में उन लोगों के लिए चिकन बेहतरीन बनती है जिसको डाइट करनी है, फॉर 20 मिनट्स बेहतरीन विदाउट ऑयल, ठीक है। तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया, आपकी मर्ज़ी है, आप डीप फ्रायर में बनाएं, एयर फ्रायर में बनाएं, या मेरे तरीके से बनाएं, सही। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक आपका जानी। खैर मुबारक बेटा, जीते रहो। माशा से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। शुक्रिया शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी दीजिए। लेग पीस का हिस्सा जो होता है वो बहुत जूसी होता है, लेग पीस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मसाला जा बहुत ही अच्छी लग रही है। शुक्रिया बेटा, आप लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया, जीते रहिए। जी बस दुआओं में याद रखिएगा। जरूर मेरी जान, इंशाल्लाह। ये देखिए, देखा आप? अगर पहले टर्न कर लिया, उसकी पूरी जो कोटिंग है वो बाहर आ जाएगी। बस अब इसको फिर छोड़ दीजिए, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट, हाय अल्लाह, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। वक्त आ गया है रिकैप का, बस इसको मैं इतनी देर फ्राई करूँगी जब तक मैं रिकैप से वापस आऊँगी। रिकैप थोड़ा लंबा होता है, 5-7 मिनट, तो ये इसी में फ्राई होती रहेगी। रिकैप से मैं आऊँगी, मैं निकालूँगी और वहाँ पहुँचा दूँगी आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे रिकैप। ये जो मैंने आज सर्विंग प्लेटर यूज़ किया है, ये महनूश का है। महनूश इस्लामाबाद में होती हैं एंड शी ऑलवेज सेंड्स मी लवली प्लेटर्स टू यूज़। तो जिसको भी लेना है, उनका इंस्टाग्राम पे पेज है, आप लोग उनको जाके ऑर्डर कर सकते हैं। शी है, ये तो कुछ भी नहीं है, इनके पास हज़ारों हज़ारों ब्यूटीफुल प्लेटर्स हैं, ट्रॉलीज हैं, ट्रेज हैं, अमेजिंग स्टफ़, ठीक है। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। हमने बनाया आज बहुत ही मज़े का कीमा, सीख कबाब कीमा बनाया और चिकन टिक्का बनाया हमने, और आप देखें शक्ल उसकी। और हमने ब्रोस्ट चिकन बनाई विद ब्रोस्ट सॉस, कोल स्लो सैलड, फ्राइज और बंस के साथ, द वे इट्स प्रेजेंटेड इन अ रेस्टोरेंट। मेरी कोशिश थी कि मैं उसी तरह आप लोगों को सर्व करूँ, ठीक है जी। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। आज की हमारी विनर हैं अरूज फ्रॉम लाहौर, और आज दावत पे बन रहा है चिकन स्टेक बर्गर्स और कड़ी पकोड़ा, ठीक है जी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते का मेन्यू हमारे पेज पे, मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे डाल दिया गया है, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। मैं भी आज डाल दूँगी अपना शीरीन अनवर ऑफिशियल का जो मेरा पेज है इंस्टा पे, उस पर भी मैं डाल दूँगी, ताकि आप आराम से देख सकते हो कि अगले हफ्ते हम आपको क्या क्या नई चीज़ें बनाना बता रहे हैं। साथ देते रहिए मसाला मॉर्निंग्स का। आगे कल से छुट्टी है, वीकेंड है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए,
दुआओं में एक दूसरे को याद रखिए, अच्छा अच्छा खाइए, नया नया पकाइए, अपने से जो नीचे वाले हैं उनको पहले खिलाइए फिर खुद खाइए। ये फरमान है हमारे प्यारे नबी का कि जब टेबल पे आप बैठते हैं खाने के लिए, ये नहीं कि आपने खाना खा लिया और फिर अपने नौकरों को दिया, पहले नौकरों को खाना खिला के फारिग कर दें फिर आप खुद बैठ के खाएं। ठीक है, चलेंगी, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड, अल्लाह हाफ़िज़।